अरे क्या हो गया भाई? फ्रॉन्क्स निकल गए भाई, सो अब नहीं आते भाई, अब ना आते पकड़। साथ ही है रहेगी भाई इसमें, तो क्या हो गया इस बार? लेकिन जाओ भाई, गैप बड़ा ही है, चल जा रही है। तो भाई आज आपके सामने जो फ्रेम में गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, एक तरफ है भाई अपनी Hyundai की i20 1.2 स्पोर्ट्स और दूसरी तरफ है भाई अपनी मारुति सुजुकी की फ्रॉन्क्स। अभी तक भाई YouTube पे मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स की ज़्यादा वीडियोस नहीं आई हैं, और अपने पास आज जो वेरिएंट खड़ा है ये है भाई डेल्टा प्लस 1.2, जिसमें भाई 1200 सीसी का इंजन आता है। वैसे इस गाड़ी में इसकी जो और आप टॉप ट्रिम्स की तरफ जाओगे तो वहाँ पे आपको इसके अंदर टर्बो चार्ज इंजन भी देखने को मिलेगा, लेकिन अपने साथ जो आज है भाई 1200 सीसी के ये भी है और 1200 सीसी की ये भी है, तो भाई एक काफ़ी तगड़ा कंपटीशन बन जाता है दोनों के बीच में। ठीक है भाई, तो एक बार इन दोनों की रेस करके देखना बनता है। ठीक है भाई, तो अब भाई पावर स्पेक्स की बात करें तो जो अपनी i20 है ये है भाई 1200 सीसी नेचुरली एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर, और ये निकालती है 82 हॉर्स पावर और 115 का टॉर्क। ठीक है, अब बात करें भाई मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स की, तो इसमें भाई 1200 सीसी का वही इंजन है जो भाई बलिनो में आता है अपना। तो इसकी बात करें ये निकालती है लगभग 90 हॉर्स पावर और 113 Nm का टॉर्क। वेट की बात करें तो इसमें भाई लगभग 970 किलो का है, उसकी बात करें ये आ जाते लगभग भाई अपना 1050 किलो का। तो वेट का फ़र्क है भाई, पावर का भी फ़र्क है, तो भाई काफ़ी मज़ेदार रेस रहने वाली है, एक बार करके देखेंगे। एक बार भाई गाड़ी के ओनर को और बुलाते हैं। आ जाओ भाई एक बार, कैसे हो भाई? सौरभ भाई गाड़ी के ओनर हो आप, आपको क्या लगता है कौन सी जीतेगी गाड़ी? हैं फ्रॉन्क्स जीतेगी? चलो भाई मेरे को, मेरे से पूछोगे तो भाई मेरे को भी नहीं पता कौन सी जीतेगी, रेस करके देखते हैं फिर एक बार पता लगेगा। भाई पहला राउंड है अपना i20 में बैठे हुए, एसी इसका ऑन रहेगा। फ्रॉन्क्स के भाई एसी ऑन है, एसी ऑन है, ट्रैक्शन भी ऑन है, इसमें भाई ट्रैक्शन का कोई स्विच आता नहीं। तो पहला राउंड भाई फुल इसके मतलब फुल अपना उस पर कर रहे हैं कि भाई एकदम लीस्ट पावर पे। ठीक है भाई, तो चलो मैं 1 2 3 कर दूंगा। ठीक है, पूरी लॉन्च करनी है बढ़िया से। स्टार्ट कर लेना भाई वीडियो। पहला राउंड है भाई, एसी ऑन है और उसमें एसी और ट्रैक्शन दोनों ऑन है, इसमें ट्रैक्शन आता नहीं। 3 2 1 भाई i20 रहेगी पीछे और आगे निकलेगी, निकलेगी आगे जा रही i20 अपनी भाई, सेकंड गेट तक अपनी आगे है, तीसरे में थोड़ी पीछे हुई मेरे को लग रहा है। आ रही भाई 90 को आगे जा रही है, तीसरे में आ गई भाई पावर में। अरे i20 रहेगी पीछे और 100 पे निकली है भाई, निकल गई भाई 100 पे, अब नहीं आती भाई, अब ना आती पकड़ भाई। i20 दिखे ना, मीटर देख लो भाई, 130 भाई पीछे, अब काफी पीछे है, अब i20 दिख ही नहीं रही भाई। हाँ बेस में ज्यादा ना उसमें, बहुत पीछे रहेगी। तो भाई कैसी रहेगी परफॉर्मेंस? भाई बढ़िया थी, ट्रैक्शन ऑफ नहीं हुआ था, आगे चली जाओ विवाह। अच्छा इसमें ट्रैक्शन ऑन, ट्रैक्शन ऑफ तो ऑन था, अब की बार ऑफ कर देंगे तो पहले गियर में भी ना जान दे वो कब है। चलो ठीक है, तो एक काम करते हैं अब ना, ट्रैक्शन और एसी दोनों ऑफ कर लेना, हम भी इसका ऑफ मतलब एसी ऑफ कर देंगे। ठीक है, इधर से घुमा लो गाड़ी। चलो भाई अपना भाई सेकंड राउंड है, एसी हम ऑफ कर चुके हैं यहाँ पे, और भाई से भी बोलते हैं एक बार, जितते ही तो भाई फ्रॉन्क्स ही, अब क्या एसी बंद, ट्रैक्शन ही बंद कर दो भाई, कर दे, हो गया भाई ट्रैक्शन ऑफ हो गया। किधर आ गया यार, खैर ट्रैक्शन ऑफ, ओके एसी ऑफ कर दिया भाई, तो भाई ट्रैक्शन भी ऑफ। चलो ठीक है, मैं 1 2 3 करता हूँ। ठीक ठीक है भाई, सुनाई दे जाएगा, सुनाई दे जाएगा। हाँ 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 चलो चलो भाई, ठीक है बना लो। 3
वन। भाई अब क्या ट्रैक्शन ऑफ, एसी ऑफ, लेकिन पहले जा रही है दूसरे में आगे, ये गई पीछे, शायद ही आ गई आ गई आ गई। इस बार 100 तक आगे थी, अब निकल गई भाई। लेकिन जैसे तीसरा लगा वैसे धीरे धीरे पीछे रहने लग जाती है I-20, पहले दूसरे में जाती है लेकिन तीसरा लगते ही तो बाहर 120। अरे निकल गई, रुक जाओ रुक जाओ, कवर बना सकते हैं, ऐसा जा सकती है, जान दो जान दो जान दो, 120 पार और I-20 भी पार हो रही, ज्यादा पीछे नहीं है वैसे, अब की बार ज्यादा क्या पड़ेगा भाई, नहीं अब नहीं आएगी, ब्रेक ले लियो भाई। भाई इस बार मेरे को ये फर्क लगा, पहले इसने कवर करी आपकी निकली 90 पे, इस बार निकली 104 करीब, तो एसी ऑफ से फर्क तो आया थोड़ा, एसी ऑफ में भाई इस बार गैप भी इतना नहीं कम, इतना गैप नहीं था, हाँ। कम था पहले से। तो एक काम करते हैं, अब मैं सोच रहा हूँ एसी ऑफ रहने देते हैं, ट्रैक्शन ऑन कर लो, ठीक है, अब थोड़ा फेर रहेगा मेरे हिसाब से, ठीक है, चलो एक और तीसरा अपना राउंड करते हैं, चलो ठीक है भाई। तो इस बार भाई एसी अपना ऑफ रहेगा, ट्रैक्शन इसमें भाई है नहीं, इसमें भाई ट्रैक्शन ऑन रहेगा, चलो भाई। अरे 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 क्या हो गया भाई, फ्रॉन्क्स जल्दी निकले अभी तो, दूसरे लगते भाई I-20 कभी पार जा रहे हैं, गर्म होगी क्या भाई, आ जाएगी लेकिन आ जाएगी तीसरे में तो आएगी, ये आ गई, अरे आगे 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 आगे, तीसरा लग चुका है भाई लेकिन अब वापिस रह जाएगी पीछे, तीसरा लगता है तो भाई फिर तो कितना आने है, बस रोक ले, मार ले, एक और करना पड़ेगा, एक और करना पड़ेगा, कौन सी जीतेगी भाई, कौन सी जीतेगी नू बता दो, अरे पक्का देख लिया जीतेगी। अरे देख लिए आगे, जब देख लिए भाई यह आओगे आगे, चले YouTube का लिंक भेज दूंगा, नंबर दे दे। ट्रैक्शन ऑन है गाड़ी का, एसी भी, एसी ऑफ है ना, ठीक है, इधर भी भाई एसी ऑफ है, चलो भाई एक बार फिर से वाला राउंड करते हैं, लास्ट हुए यार, करके देखते हैं, 3, 2, 1 हल्का है, भाई पहले I-20 आगे निकल गई, रहेगी भाई इस बार तो क्या हो गया, ट्रैक्शन दूसरे में भी काफी आगे है, ट्रैक्शन होने से भाई काफी फर्क है, जान दे इस बार नहीं आई भाई, क्या हो गया, आ रही है आ रही है, इस बार तो ना पकड़ लो भाई, 120 तीसरा लग गया है, I-20 आगे ही चल रही है, अरे बालक सही कहते हैं, अगली बार I-20 जीत गई, बस ब्रेक ले लो भाई, ब्रेक ले लियो भाई, आ भाई 130 तक आ गई बट I-20 आ गए 40। क्या क्या रह गया भाई इस बार, लॉन्च डीले था, लॉन्च डीले था, कोई दिक्कत नहीं थी बाकी, तो बाकी मतलब इस बार गैप काफी बन गया, देखो वही है ट्रैक्शन का ना, यही फर्क आ जाता है इसमें, मतलब थोड़ा ना व्हील स्पिन को ना प्रिवेंट कर देती है, तो टायर घूम नहीं पाता ठीक से, तो हैं चलो इस बार एक लास्ट राउंड और करते हैं,
या ऐसा कर रहा है ये चलाने किसी को ये चला लो, हम वो चला के देख लेते हैं कैसे कर रहे हैं। आप चलाओ वो वाली, ठीक है। हम एक लास्ट राउंड करते हैं, ठीक है, फाइनल एकदम। तो भाई मैं कह रहा हूँ इस बार जैसे चलो ये मान लेते हैं ट्रैक्शन में तो वो हार रही है शायद, ऑफ ही कर लो ट्रैक्शन, ठीक है, एक फाइनल राउंड करते हैं पूरी, मतलब उसको फुल एडवांटेज है, इस गाड़ी को भी फुल एडवांटेज है, एसी भी ऑफ ट्रैक्शन भी ऑफ, ठीक है। चलो भाई करते हैं लास्ट एंड फाइनल राउंड है। चल 3 2 1 अब सही हुआ भाई, पीछे रह गई, ओ थोड़े कच्चे ड्राइवर लग रहे हैं, दबगी भाई दबगी, आ रही है लेकिन अब आ रही है तीसरा गियर, आ रही है भाई, आ रही है, आ गया आ गया, लेकिन इस बार भाई बहुत काफी गैप बन चुका है इस बार, लेकिन जा भाई गैप बढ़ा ही है जैसे जा रही है। नहीं 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 ज्यादा गैप नहीं बना रही, जानते जानते ना बना रही है, बना रही है। चलो जैसा कि आपने देखा भाई दोनों ही गाड़ी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा। यहाँ पे बात करें भाई अगर फ्रोंक्स की तो देखो पावर इस गाड़ी में जेन्युइनली ज़्यादा है और उससे आपसे वेट भी कम है इस गाड़ी में। तो देखो अगर लॉन्ग एंड की बात करें तो भाई इस गाड़ी को जाना है कहीं ना कहीं आगे, लेकिन भाई इस गाड़ी की बात करें भाई इसमें वेट भी ज़्यादा पावर भी कम, तो उस हिसाब से भाई 0 to 100 तो भाई सबसे क्विकेस्ट इसका रहता है। और बात करें फ्रोंक्स की तो भाई थोड़ी जैसे इसका एरोडायनेमिक भी हल्का फुल्का एसयूवी जैसा आ जाता है, तो यहाँ भी थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है। उसके बाद भाई बात करें जैसे ऐसे देखो भाई मारुति मारुति है भाई इंजन और भाई मतलब इसके मामले में इसको कोई बीट नहीं कर सकता, लेकिन भाई फिर भी i20 ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा। मतलब मान लो अगर इस गाड़ी का हम ट्रैक्शन ऑन कर दें और एसी ऑफ कर दें और इस गाड़ी का भी एसी ऑफ कर दें तो भाई कहीं ना कहीं ये आगे रहती है काफ़ी था काफ़ी मतलब हद तक आगे रहती है 140 तक आगे रहेगी। लेकिन भाई अगर जैसे इसका ट्रैक्शन ऑफ हो जाता है फिर भाई ये किसी को नहीं छोड़ती, तो भाई काफ़ी पावरफुल गाड़ी है। इसका टर्बो वेरियंट भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन भाई 1.2 भी भाई काफ़ी अच्छा खासा है इसका। तो भाई आई होप भाई वीडियो पसंद आई आप लोगों को, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ।